यह भी तो हो सकता है कि वह उसकी बहन हो इट मे ऑल्सो बी पॉसिबल शी इज़ हिज सिस्टर इट मे ऑल्सो बी पॉसिबल शी इज़ हिज सिस्टर उसे बहुत अकेलापन महसूस हुआ ही फेल्ट वेरी लोनली उसे बहुत अकेलापन महसूस हुआ ही फेल्ट वेरी लोनली मेरे पापा थोड़े सख्त हैं माई फादर इज़ अ बिट स्ट्रिक्ट मेरे पापा थोड़े सख्त हैं माई फादर इज़ अ बिट स्ट्रिक्ट उसकी हालत बुरी है ही इज़ इन अ बैड स्टेट उसकी हालत बुरी है ही इज़ इन अ बैड स्टेट और स्वाद कैसा है हाउ अबाउट द टेस्ट और स्वाद कैसा है हाउ अबाउट द टेस्ट क्या मैं आपका चार्जर इस्तेमाल कर सकता हूँ कुड आई यूज़ योर चार्जर कुड आई यूज़ योर चार्जर मैंने पुरानी गाड़ी खरीदी आई बॉट एन ओल्ड कार मैंने पुरानी गाड़ी ख़रीदी आई बॉट एन ओल्ड कार थोड़ी सी तो शर्म करो फील शाय एट लीस्ट अ लिटिल बिट फील शाई At least अ लिटिल बिट वह मेरे पड़ोस में रहता है ही लीव्स नेक्स्ट टू मी वह मेरे पड़ोस में रहता है ही लीव्स नेक्स्ट टू मी तुमने कैसा बनाया हाउ डिड यू मेक इट तुमने कैसा बनाया हाउ डिड यू मेक इट हर चीज़ की एक हद होती है There is a limit of everything too. There is a limit of everything too. वह दिखने में बहुत अमीर लगता है। He seems to be rich. वह दिखने में बहुत अमीर लगता है। He seems to be rich. वह जल्द ही ठीक हो जाएगा। He will get well soon. वह जल्द ही ठीक हो जाएगा। He will get well soon. सर खुजाना बंद करो स्टॉप स्क्रैचिंग योर हेड सर खुजाना बंद करो स्टॉप स्क्रैचिंग योर हेड आपका कितना पैसा मेरे यहाँ बाकी है हाउ मच डू आई ओ यू हाउ मच डू आई ओ यू तुमने अपने भविष्य के लिए क्या सोचा है वॉट हैव यू प्लान फॉर योर करियर वॉट हैव यू प्लान फॉर your करियर तुम्हें जलन क्यों हो रही है वाई आर यू गेटिंग जेलस तुम्हें जलन क्यों हो रही है वाई आर यू गेटिंग जेलस हमारे पास अहंकार नहीं होना चाहिए वी शुड not हैव एन ईगो हमारे पास अहंकार नहीं होना चाहिए वी शुड not हैव एन ईगो लगता है आज बारिश होने वाली है It looks like it's going to rain. It looks like it's going to rain. क्या तुमने आज की न्यूज़ पढ़ी? Did you catch the news today? क्या तुमने आज की न्यूज़ पढ़ी? Did you catch the news today? आज के मौसम के बारे में आपको क्या लगता है? What do you think about the weather today? What do you think about the weather today? आज का दिन कितना सुंदर है ना ब्यूटिफुल डे इज इट आज का दिन कितना सुंदर है ना ब्यूटिफुल डे इज एंट इट डरपोक कहीं के यू आर चिकन हार्टड डरपोक कहीं के यू आर चिकन हार्टेड आप एक बार मुझे बता सकते थे यू कुड हैव इन्फॉर्म्ड मी वंस आप एक बार मुझे बता सकते थे यू कुड हैव informed मी वंस तुम फ़ोन क्यों नहीं उठा रहे थे वाई वर यू नॉट पिकिंग अप द फ़ोन वाई वर यू नॉट पिकिंग अप द फ़ोन तुम्हारी ख़राब हालत की वजह तुम्हारा आलसीपन है योर बैड कंडीशन इज़ डाउन टू योर लेजीनेस योर बैड कंडीशन इज़ डाउन टू योर लेजीनेस तुम वहाँ कर क्या रहे थे वॉट वर यू डूइंग देयर तुम वहाँ कर क्या रहे थे वॉट वर यू डूइंग देयर मेरे पास कोई विकल्प नहीं है आई हैव नो अल्टरनेटिव मेरे पास कोई विकल्प नहीं है आई हैव नो अल्टरनेटिव ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा वह बुरा मान जाएगा वॉट हैपन्स एट मोस्ट ही विल गेट ऑफेंडेड वॉट हैपन्स एट मोस्ट ही विल गेट ऑफेंडेड यह मकान किराए के लिए खाली है दिस हाउस इज़ टू लेट यह मकान किराए के लिए खाली है दिस हाउस इज़ टू लेट क्या तुमने आज का फ़ुटबॉल मैच देखा डिड यू सी द फुटबॉल मैच टुडे डिड यू सी द फुटबॉल मैच टुडे तुमने फालतू में उससे पंगा लिया यू मिस विथ हिम फॉर नो रीज़न तुमने फ़ालतू में उससे पंगा लिया यू मिसड विथ हिम फॉर नो रीज़न मैं यहाँ आते आते खो गया था आई गॉट लॉस्ट while कमिंग हीयर आई गॉट लॉस्ट while कमिंग हीयर एक दिन तुम अकेले ही रह जाओगे वन डे यू विल बी लेफ्ट अलोन वन डे यू विल बी लेफ्ट अलोन मैं उससे पहले कभी नहीं मिला हूँ आई हैव नेवर मेट हिम बिफोर मैं उससे कभी नहीं पहले मिला हूँ आई हैव नेवर मेट हिम बिफोर तुम तो फालतू में इधर उधर घूमते रहते हो यू कीप रोमिंग हीयर एंड देयर फॉर नो रीज़न यू कीप रोमिंग हीयर एंड देयर फॉर नो रीज़न क्या ऐसा कभी होगा विल इट एवर हैपन सो क्या ऐसा कभी होगा विल इट एवर हैपन सो क्या तुम इसका परिणाम जानते हो डू यू नो इट्स कॉन्सिक्वेंसेस क्या तुम इसका परिणाम जानते हो डू यू नो इट्स कॉन्सिक्वेंसेस मेहनत का फल मीठा होता है वर्क पेज मेहनत का फल मीठा होता है वर्क पेज अंग्रेजी सीखने में टाइम लगता है इट टेक्स टाइम टू लर्न इंग्लिश इट टेक्स टाइम टू लर्न इंग्लिश हम एक दूसरे के यहाँ आते जाते नहीं हैं वी आर not इन विजिटिंग टर्म्स वी आर नॉट इन विजिटिंग टर्म्स तुम्हें उससे ऐसा बर्ताव नहीं करना चाहिए था यू शुड not हैव behaved लाइक दिस विथ हिम यू शुड not हैव behaved लाइक दिस विथ हिम मैं घुमा फिरा कर बात नहीं करता आई एम स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सन मैं घुमा फिरा कर बात नहीं करता आई एम स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सन ये फ़ोन मुझे बहुत महंगा पड़ा दिस फ़ोन कॉस्ट लाइक अ बॉम्ब यह फ़ोन मुझे बहुत महंगा पड़ा दिस फोन कॉस्ट लाइक अ बॉम्ब मेरी लाचारी कोई नहीं समझता नो बडी माय माई हेल्पलेसनेस नो बडी रियलाइजेज माई हेल्पलेसनेस मुझे पैसे की सख्त ज़रूरत है आई एम इन अ डायर नीड ऑफ मनी आई एम इन अ डायर नीड ऑफ़ मनी आपका स्वभाव और व्यवहार काफ़ी हद तक आपकी परवरिश पर निर्भर करता है योर नेचर एंड बिहेवियर लार्जली डिपेंड ऑन योर अपब्रिंगिंग योर नेचर एंड बिहेवियर लार्जली डिपेंड ऑन योर अपब्रिंगिंग पानी के लिए हाहाकार मचा हुआ था there was an outcry for water there was an outcry for water teacher ka kaam hota hai padhana teachers are meant to teach teacher ka kaam hota hai padhana teachers are meant to teach लफ्ज़ों में बयान करना मुश्किल है it's hard to put into words. वर्ड्स लफ्ज़ों में बयान करना मुश्किल है इट्स हार्ड टू पुट इन टू वर्ड्स इसमें खास बात क्या है वॉट्स सो स्पेशल इनिट इसमें खास बात क्या है वॉट्स सो स्पेशल इनिट मैं तो तुम्हारे रग रग से वाकिफ हूँ आई नो यू इन साइड आउट मैं तुम्हारे रग रख से वाकिफ हूँ आई नो यू इन साइड आउट तुम्हारी तनख्वाह कब मिलती है वेन डू यू रिसीव दैलरी When do you receive the salary? इस हड़ताल के बारे में तुम्हारा क्या सोचना है What do you think about this strike? What do you think about this strike? आज सूर्य कितना चमकदार है Sun is so bright today. आज सूर्य कितना चमकदार है Sun is so bright today. माफ़ करें मुझे आने में थोड़ा समय लग गया सॉरी आई एम लेट माफ़ करें मुझे आने में थोड़ा समय लग गया सॉरी आई एम लेट हवा और तेज़ चल रही है इट्स गेटिंग इवेंट विंडियर हवा और तेज़ चल रही है इट्स गेटिंग इवेंट विंडियर जो आग लगी है क्या तुमने उसके बारे में सुना डिड यू हियर अबाउट द फायर डिड यू हियर अबाउट द फायर आइंदा से वह इस तरह से नहीं बोलेगा एज ऑफ नाव ही वोंट स्पीक लाइक दिस एज ऑफ नाव ही वोंट स्पीक लाइक दिस समझदार को इशारा ही काफ़ी होता है आ वर्ड टू वाइज इज इनफ आर्ड टू वाइज इज इनफ आज उसका सच्चा स्वरूप सामने आ गया टूडे he has come out on his true colors today he has come out in his true colors क्या मैं तुम्हें थोड़ी देर बाद कॉल करूं shall i call you after some time shall i call you after some time आज के मैच के बारे में तुम्हें क्या लगता है कौन जीतेगा what about the match today who is going to win what about the match today who is going to win क्या मैंने ये नहीं कहा था कि मैं तुम्हारे कहे अनुसार चलूँगा डिड आई से दैट आई वुड डू एज यू से डिड आई से दैट आई वुड डू एज यू से क्या तुम अपनी पढ़ाई पर ध्यान भी देते हो डू यू इवन फोकस ऑन योर स्टडीज़ डू यू इवन फोकस ऑन योर स्टडीज़ किसके कहने पर तुमने उससे झगड़ा मोल लिया एट हुस बेहिस्ट डिड यू पिक अप फाइट विथ हिम एट हुस्ट डिड यू पिक अप फाइट विथ हिम मेरे मना करने के बावजूद वो वहाँ गया डिस्पाइट माई रिफ्यूज़ल ही वेंट देअर डिस्पाइट माई रिफ्यूज़ल ही वेंट देयर मानना पड़ेगा तुम फराटेदार अंग्रेज़ी बोल लेते हो आई हैव टू एडमिट यू स्पीक इंग्लिश फ्लूएंटली आई हैव टू एडमिट यू स्पीक इंग्लिश फ्लूंटली पहले वो अच्छे से बात किया करता था अर्लियर ही यूज़ टू टॉक डिसेंटली अर्लियर ही यूज़ टू टॉक डिसेंटली क्या तुमने इसके बारे में सोचा हैव यू थाट अबाउट इट क्या तुमने इसके बारे में सोचा हैव यू थाट अबाउट इट छोटी छोटी बातों पर बुरा मत मानो डोंट गेट ऑफेंडेड ओवर स्मॉल थिंग्स डोंट गेट ऑफेंडेड ओवर स्मॉल थिंग्स तुमने सच में कमाल कर दिया यू रियली डिड वंडर तुमने सच में कमाल कर दिया यू रियली डिड वंडर मैं आपके आदर्शों का पालन नहीं कर सकता आई कांट कैरी आउट योर ऑर्डर्स i can't carry out your orders ज्यादा से ज्यादा क्या होगा तुम असफल हो जाओगे what happens at most you will fail what happens at most you will fail मेहनत करने की आदत डाल लो get into the habit of working hard get into the habit of working hard तुम्हें डॉक्टर के निर्देशों का पालन करना चाहिए यू शुड कैरी आउट डॉक्टर्स इंस्ट्रक्शंस यू शुड कैरी आउट डॉक्टर्स इंस्ट्रक्शंस तुम्हारे कहने पर मैंने उस पर यकीन किया था आई बिलीव हिम एट योर बेहस्ट आई बिलीव हिम एट योर बेहस्ट मुझे पता है तुम खुश होने का नाटक कर रहे हो आई नो यू आर प्रिटेंडिंग टू भी हैप्पी आई नो यू आर प्रिटेंडिंग टू बी हैप्पी पैसे बचाने की आदत डाल लो गेट इंटू द हैबिट ऑफ सेविंग मनी गेट इंटू द हैबिट ऑफ सेविंग मनी तुम किसके लिए कपड़े खरीद रहे हो फॉर होम आर यू बाइंग द क्लोथ्स फॉर होम आर यू बाइंग द क्लोथ्स तुमसे बहस करना मेरे लिए कठिन है इट्स हार्ड फॉर मी टू आर्ग्यू विथ यू इट्स हार्ड फॉर मी टू आर्ग्यू विथ यू करीब करीब एक महीना अबाउट अ मंथ करीब करीब एक महीना अबाउट अ मंथ फिर क्या मुसीबत है देन वाट्स द प्रॉब्लम फिर क्या मुसीबत है देन वाट्स द प्रॉब्लम वो उसकी परेशानी है मेरी नहीं दैट इज़ हिज़ प्रॉब्लम नॉट माइन दैट इज़ हिज़ प्रॉब्लम नॉट माइन तुम भी शांत हो जाओ यू टू स्टे काम तुम भी शांत हो जाओ यू टू स्टे काम मेरे लिए ये स्वीकार करना कठिन है इट्स हार्ड फॉर मी टू एक्सेप्ट दिस इट्स हार्ड फॉर मी टू एक्सेप्ट दिस इसका इरादा नौकरी छोड़ने का है ही इंटेंड्स टू क्विट द जॉब ही इंटेंड्स टू क्विट द जॉब मुझे उम्मीद है यही होगा आई होप इट विल हैपन मुझे उम्मीद है यही होगा आई होप इट विल हैपन ये तुम्हारी पसंद है उसकी नहीं दिस इज़ योर चॉइस नॉट हर दिस इज़ योर चॉइस नॉट हर तुम कौन सी दवाई ले रहे हो विच मेडिसिन आर यू टेकिंग विच मेडिसिन आर यू टेकिंग मैं उसके रग रग से वाकिफ़ हूँ आई नो हिम इनसाइड आउट मैं उसके रग रग से वाकिफ हूँ आई नो हिम इनसाइड आउट मानना पड़ेगा तुम सही हो आई हैव टू एडमिट यू आर राइट आई हैव टू एडमिट यू आर राइट मैं आपको कॉल करने ही वाला था आई वॉज़ अबाउट टू कॉल यू मैं आपको कॉल करने ही वाला था आई वॉज़ अबाउट टू कॉल यू वह जल्दबाजी में लिया गया फ़ैसला था दैट वॉज द हेस्टी डिसीजन दैट वॉज द हेस्टी डिसीजन तुम्हारे परिवार में और कौन है हु एल्स इन योर फैमिली तुम्हारे परिवार में और कौन है हु एल्स इन योर फैमिली शुक्र मनाओ हम नहीं गए बी ग्रेटफुल दैट वी डिड नाट गो बी ग्रेटफुल दैट वी डिड नाट गो शुक्र मनाओ उसने तुम्हें मारा नहीं बी ग्रेटफुल दैट ही डिडेंट बीट यू बी ग्रेटफुल दैट ही डिडेंट बीट यू पहले हम घंटों बातें किया करते थे earlier we used to talk for hours earlier we used to talk for hours वह रोने का नाटक कर रही है she is pretending to weep वह रोने का नाटक कर रही है she is pretending to weep मुझे उससे शिकायत है i have a complaint against him i have a complaint अगेंस्ट हिम बच्चों की तरह व्यवहार मत करो डोंट बिहेव लाइक अ चाइल्ड बच्चों की तरह व्यवहार मत करो डोंट बिहेव लाइक अ चाइल्ड मैं तुम्हें बहुत झेल चुका हूँ आई हैव हैड इनफ ऑफ यू आई हैव हैड इनफ ऑफ यू मुझे गर्मी सहन नहीं होती आई कांट स्टैंड हीट मुझे गर्मी सहन नहीं होती आई कांट स्टैंड हीट तुम्हें उसे पीटने का कोई हक नहीं यू हैव नो राइट टू बीट हिम यू हैव नो राइट टू बीट हिम कभी तुमने सोचा है हैव यू एवर थाट कभी तुमने सोचा है हैव यू एवर थाट मोबाइल चलाते हुए समय का पता ही नहीं चलता टाइम फ्लाइज वाइल यूजिंग मोबाइल टाइम फ्लाइज वाइल यूजिंग मोबाइल जब देखो तुम बहाने बनाती रहती हो वे नेवर इट इज सीन यू कीप मेकिंगसक्यूज वे नेवर इट इज सीन यू कीप मेकिंग एक्सक्यूजेस आपको किसी भी तरह इस समस्या को सुलझाना होगा यू हैव टू फिक्स दिस प्रॉब्लम by hook or by crook you have to fix this problem by hook or by crook यह किसका मोबाइल नंबर है हुज़ मोबाइल नंबर इज़ दिस यह किसका मोबाइल नंबर है हुज़ मोबाइल नंबर इज़ दिस वो मुझे भाव नहीं देती शी डज़ेंट पे अटेंशन टू मी शी डजेंट पे अटेंशन टू मी तुम्हें हमारे साथ होना चाहिए था यू शुड हैव बिन हीयर विथ अस यू शुड हैव बिन हीयर विथ अस तुम्हारे चेहरे पर कुछ लगा है देयर इज़ समथिंग ऑन योर फेस देयर इज़ समथिंग ऑन योर फेस पानी इस पाइप से गुजर रहा है वाटर इज़ पासिंग थ्रू दिस पाइप वाटर इज़ पासिंग थ्रू दिस पाइप मुझे मुश्किल से ऑनलाइन आने का समय मिलता है आई हार्डली गेट टाइम टू कम ऑनलाइन आई हार्डली गेट टाइम टू कम online. यह खाना मुझे मेरे माँ के खाने की याद दिलाता है दिस फूड reminds मी ऑफ़ माई मदर्स फूड दिस फूड रिमाइंड्स मी ऑफ़ माई मदर्स फूड क्या तुम मुझे लापरवाह समझते हो डो यू कंसीडर मी टू बी केयरलेस डो यू कंसिडर मी टू बी केयरलेस उसका चेहरा मुझे मेरे दोस्त की याद दिलाता है हर फेस रिमाइंड्स मी ऑफ माई फ्रेंड हर फेस रिमाइंड्स मी ऑफ़ माई फ्रेंड जब तक तुम यहाँ आओगे बहुत देर हो जाएगी बाई द टाइम यू कम हेयर इट विल बी टू लेट बाई द टाइम यू कम हेयर इट विल भी टू लेट बहाने बनाना तो कोई आपसे सीखे वन शुड लर्न मेकिंग एक्सक्यूजेज फ्राम यू वन शुड लर्न मेकिंगसक्यूजेज फ्राम यू माफ़ करना मैंने गलती से फ़ोन काट दिया सॉरी आई कट ऑफ दाई एक्सीडेंट सॉरी आई कट ऑफ द फ़ोन बाई एक्सीडेंट जब तक बॉस ऑफिस पहुँचेंगे मैं सारा काम कर लूँगा By the time boss reach at office, I will finish all work. By the time boss reach at office, I will finish all work. आपको ये परीक्षा किसी भी तरह पास करनी पड़ेगी. You will have to pass this exam by hook or by crook. You will have to pass this exam by hook or by crook. तुम्हें कैसे भी करके अंग्रेजी सीखना होगा. You have to learn English. by hook or by crook you have to learn english by hook or by crook jab tak tum ghar pahunchoge khana taiyar ho jayega by the time you reach home dinner will be ready by the time you reach home dinner will be ready वह मन ही मन कुछ बोल रहा है. he is inwardly speaking something he is inwardly speaking something क्या तुम वहीं जा रहे हो जहां मैं जा रहा हूं आर यू गोइंग द सेम वेयर आई एम आर यू गोइंग द सेम वेयर आई एम उस गांव में बिजली नहीं है देयर इज़ नो इलेक्ट्रिसिटी इन दैट विलेज देयर इज़ नो इलेक्ट्रिसिटी इन दैट विलेज मैं उसे तब से ये समझा रहा हूँ आई हैव बीन एक्सप्लेनिंग इट टू हिम सिंस देन I have been explaining it to him since then. मेरा कुछ करने का मन नहीं कर रहा है I don't feel like doing anything. I don't feel like doing anything. किताबें पढ़ते हुए समय का पता ही नहीं चलता Time flies while reading books. Time flies while reading books. मैं इस काम के बिल्कुल खिलाफ हूँ आई एम डेड अगेंस्ट दिस वर्क आई एम डेड अगेंस्ट दिस वर्क वह कहीं ना कहीं भाग जाएगा ही विल रन समवेयर और द अदर ही विल रन समवेयर और द अदर एक बात तो पक्की है वन थिंग इज़ फॉर श्योर एक बात तो पक्की है वन थिंग इज़ फॉर श्योर मुझे तुम्हारी ज़रूरत कभी भी पड़ सकती है आई मे नीड यू एनी टाइम आई मे नीड यू एनी टाइम हमारी खूब बनती है वी गेट अलॉन्ग वेरी वेल हमारी खूब बनती है वी गेट अलॉन्ग वेरी वेल मैं यहाँ और पढ़ना चाहता हूँ आई वॉन्ट टू स्टडी हियर मोर I want to study here more. मुझे कम दिखाई देता है। I am short of sight. मुझे कम दिखाई देता है। I am short of sight. मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा है। I can't believe my eyes. I can't believe my eyes. क्या तुम अभी-अभी उठी हो? डिड यू जस्ट वेकअप क्या तुम अभी अभी उठी हो डिड यू जस्ट वेकअप वह हमेशा हंसती रहती है शी ऑलवेज कीप्स ऑन लाफिंग शी ऑलवेज कीप्स ऑन लाफिंग तुम दिमाग से पैदल हो यू आर ऑफ विद द माइंड तुम दिमाग से पैदल हो यू आर ऑफ विद द माइंड क्या आप थोड़ा ज़ोर से बोलेंगे प्लीज़ कुड यू अप प्लीज़ कुड यू अप प्लीज़ ज़्यादा नखरे मत दिखाओ डोंट शो टेंट्रम्स सो मच ज़्यादा नखरे मत दिखाओ डोंट शो टेंट्रम्स सो मच फ़िलहाल तुम जा सकते हो फॉर द टाइम बीइंग यू कैन गो फॉर द टाइम बींग यू कैन गो पर मुझे अभी चाहिए था बट आई वॉन्टेड इट राइट now, पर मुझे अभी चाहिए था बट आई वॉन्टेड इट राइट now, ठीक है अब मैं फ़ोन रखता हूँ ओके आई एम गोना हैंग अप now, ओके आई एम गोना हैंग अप now, शुरू शुरू में मैं भी ऐसा ही सोचता था

यह किसी भी तरह से ठीक नहीं है इट इज़ बाय नो मीन्स करेक्ट इट इज़ बाय नो मीन्स करेक्ट उसने फ़ोन रख दिया ही हैंग अप द फ़ोन उसने फ़ोन रख दिया ही हैंग अप द फ़ोन मैं रविवार को भी काम करता हूँ आई वर्क इवन ऑन संडे मैं रविवार को भी काम करता हूँ आई वर्क even ऑन Sunday. मैं पचास लोगों के बीच में था आई वॉज़ अमंग फिफ्टी पीपल आई वॉज़ अमंग फिफ्टी पीपल उसका रुझान फोटोग्राफी की तरफ है ही हैज़ अ फ्लेयर फॉर फोटोग्राफी ही हैज़ अ फ्लेयर फॉर फोटोग्राफी मुझे जल्दी सोने की आदत है I have a habit of going to bed early I have a habit of going to bed early देखते हैं कौन मेरी मदद करेगा let's see who helps me let's see who helps me तुम हर काम में इतने आलसी क्यों हो why are you so lazy in everything why are you so lazy in everything ऐसा नहीं होना चाहिए इट शुडेंट हैपन ऐसा नहीं होना चाहिए इट शुडेंट हैपन अपना बिल मुझ पर मत फाड़ो डोंट पुट योर ब्लेम ऑन मी डोंट पुट योर ब्लेम ऑन मी